बिना अनुमति दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ पुलिस में मनपा ने शिकायत दर्ज की। तो आइए देखते हैं इस कार्रवाई के संबंध में विपिन पालीवाल ने क्या जानकारी दी इस खबर में। शहर में बिना अनुमति के दीवारों पर तथा अन्य जगहों पर प्रचार के लिए लगाए गए स्टिकर्स, बैनर्स, पॉम्पलेट आदि के संबंध में महानगर पालिका की ओर से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। गौरतलब है शहर के अंबेडकर कॉलेज, वर्रा नाका, जनता कॉलेज चौक, मनपा हद के शासकीय तथा निजी जगह के शहर के पोस्ट, टेलीफोन पेटी, इलेक्ट्रिक खम्भे तथा रास्ते के किनारे स्थित पेड़ों आदि जगहों पर अपना प्रचार करने के लिए तमाम तरह के पॉम्पलेट, बैनर लोगों द्वारा लगाए गए हैं और इसी संबंध में ये कार्रवाई की गई। तो सुनिए इसके संबंध में मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने क्या कहा स्वयं निजवानी। शहरामध्ये आपण सौंदर्यीकरण करता, स्वच्छतेचे अभियान राबवत आहोत आणि चंद्रपूर शहर स्वच्छ आणि सुंदर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत। यामध्ये असं लक्षात आलं आहे की काही बेजबाबदार असताना म्हणा किंवा नागरिक म्हणा, ते त्यावर काहीतरी पोस्टर चिपकवतात, काहीतरी त्यांचा ॲडव्हर्टाईज चिपकवतात, त्यामुळे भिंत खराब होतेच, विद्रुपीकरण दिसते आणि त्या सौंदर्यीकरणालासुद्धा बाधा निर्माण होते। याकरता महानगरपालिका वारंवार सूचित करत असते की अशा प्रकारे विद्रुपीकरण सार्वजनिक मालमत्तेचं हे अयोग्य आहे, त्यावर गुन्हे दाखल होऊ शकतात। त्याकरता वृत्तपत्रातून, समाजमाध्यमातून आम्ही त्यांना सूचित करत असतो। परंतु गणेशोत्सवाच्याकरता असं लक्षात आलं की एक मुद्रा लोन देणारी कुठली तरी एजन्सीने त्या कागदावर प्रिंट करून जागोजागी ते सौंदर्यीकरण केलेल्या जागेवर किंवा भिंतीवर त्यांनी ते चिपकवलं आहे, लावलेलं आहेत। अशा वेळेस तिथले जे सहायक आयुक्त आहेत त्यांना निर्देश दिलेत की संबंधिताची चौकशी करून त्यावर कारवाई करावी। त्यानुसार सहायक आयुक्त सचिन माकोडे यांनी अशा ज्या काही विद्रुपीकरण करणाऱ्या त्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यानंतर नागरिकांना आवाहन आहे की आपल्या शहराचं सौंदर्यीकरण अबाधित राहावं, याकरता सहकार्य करावं, अशा प्रकारचे कुठलेही पोस्टर, बॅनर अनुचित ठिकाणी लावू नये। सी टी व्ही के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट।